गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 11th। तो 11th क्लास के विद्यार्थियों, ये आपकी मैथमेटिक्स की पहली क्लास है, ठीक है। तो आज मैं कुछ बेसिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन बेसिक चीजों को पहले आपको समझना है। क्लास 11th और आज मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। बेटा 11th में पहुंचने से पहले आपको थोड़ा सा 9th और 10th पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। कैसे चर्चा करते हैं देखो। बेटा एक आपका संख्या पद्धति चैप्टर था 9th में, और 10th में एक था वास्तविक संख्या, उस पे था। तो कुछ बेसिक चीज में बता रहा हूं। जैसे पहला पॉइंट प्राकृत संख्या, बेटा ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं बता दूं कि बेटा आपने 10th तक जो भी पढ़ा है उसका नॉर्मली यूज होगा, बट सारा कुछ नया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी, सब कुछ नया है। तो आपको जल्दबाजी में हौच पौच नहीं होना कि ये क्या मुसीबत आ गई। आप थोड़ा सा संयम रखें और जो चीज पढ़ाए उसको रेगुलर आप उसका रिवीजन करें। प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे आप प्रॉब्लम भेजें, आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे और इसको एक दो महीने में क्लियर समझ में आना स्टार्ट होगा। तो आप अगर शुरुआत से रिवीजन करते रहेंगे, प्रॉब्लम क्लियर करते रहेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट्स हम नई चीज़ देखते हैं तो उनको ये लगता है पता नहीं क्या ये है। तो आपको इस तरह कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। आपको केयरफुली रिवाइज करना है, प्रॉब्लम है टीचर से कंसल्ट करना है, मैथ का है मैथ टीचर से, फिजिक्स है फिजिक्स टीचर से। देखिए जरा, हम पहले 9th पे बात करते हैं, 11th पे बात करेंगे प्राकृत संख्या। बेटा प्राकृत संख्याओं को n से लिखते हैं, तो प्राकृत संख्या होती क्या आप सभी जानते होंगे। वैसे वह संख्या है जिनको हम जनरल काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब जनरल गिनने में काउंटिंग में यूज करते हैं, सारी प्राकृत संख्या होती है। और प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं n से, और क्या होगी 1, 2, 4 वहां पर अन, मतलब सॉरी वहां से लेकर धनात्मक प्राकृत संख्या। दूसरी होती है, दूसरा नंबर क्या होता है बेटा, इसको हम लिखते हैं कैपिटल W। पूर्ण संख्या है, क्या होती है कि प्राकृत संख्याओं के संघटन के साथ में जोड़ो जोड़ते हैं तो वो संघटन क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याओं का संघटन। जैसे W इक्वल टू क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे पूर्ण संख्या। तीसरा हम बात करेंगे किसपे, तीसरी हमारे पास इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या। तीसरा बेटा क्या होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याओं को जेड से, ये क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं का संगठन हो, इसमें उसके ऋणात्मक धनात्मक सारी संख्याएं जो भी जुड़ी हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या हमारे पास क्या होती है, तो देखिए जरा पूर्णांक संख्याओं को हम लिखते हैं, जैसे लिखा -3, -2, -1, 0, 3, 4, 5 सारी क्या होंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। आगे चौथा बिल्कुल होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को आज से लिखते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ले सके, जहां q जीरो ना हो, वो सारी क्या होंगी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं उसको ऐसे लिखते हैं 0, 1/2, 3/2, 1, 2, 1, 5/4 कोई भी संख्या हो उसे p/q, वो सारी क्या होंगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम किस तरीके से पास वास्तविक संख्याओं के दो, एक होता है एक को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। वास्तविक देखो
वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उनके दोनों, एक क्या होता है परिमेय, और दूसरी बेटा क्या होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को तो p by q के रूप में लिख सकते हैं, या q does not equal to 0 हो और p और q क्या हो बेटा पूर्णांक, तो सारी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या होती है जिसको p by q के रूप में ना लिख सके, और p और अगर लिखा जा सके तो p और q बेटा दोनों ही, दोनों में से कोई एक पूर्णांक। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के दो रूप होते हैं, परिमेय और दूसरी अपरिमेय। अब परिमेय संख्या में दो स्थितियां होती हैं, अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय होगा, दशमलव प्रसार अशांत है और पुनरावृत्ति हो रही है तो परिमेय होगा, और दशमलव प्रसार अशांत और पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो क्या होगा अपरिमेय होगा। तो ये आपको केवल क्या चीज ख्याल रखनी है कि प्रायिकी संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, और इन्हें हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये चीजें आपको दिमाग में एक बार रखनी है। ठीक है, दस क्लियर। तो ये चीजें देखनी। अब मैं कुछ साइन सिस्टम बता रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, उन साइन को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इन साइन को क्या बोलते हैं, इन साइन के नेम क्या है और कैसे क्या यूज होना है, तो बाद में बात करेंगे, पहले कुछ साइन सिस्टम बता रहे हैं उसको देखिए क्या है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रायिकी संख्या क्या होती है, उसको प्रदर्शित किससे करते हैं। ठीक है, समझ। आपको जो साइन सिस्टम बता रहे हैं चिन्हों का प्रयोग, कुछ चिन्ह उनको क्या बोलते हैं, पहले तो नाम हमें पता होना चाहिए, बाद में दूसरी चीजों पर पहुंचते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये जो साइन होता है ऐसे, इससे हम बोलते हैं बेटा ब्लॉक, क्या बोलते हैं, ये साइन है इसको ऐसे काट दें तो बोलेंगे डज नॉट या नॉट ब्लॉक। ठीक है, ओके, अगर ऐसा है तो इससे बोलेंगे सबसेट, क्या बोलेंगे सबसेट, ऐसे इक्वल का साथ में आया तो इससे बोलेंगे सबसेट एंड। ठीक है बेटा, ये नेम है, ये आपको साइन सिस्टम है क्या, वैसे तो हमें एक पता होना चाहिए साइन को बोलते क्या है, तो आपको अभी साइन सिस्टम जो इसका चिन्ह है उनको क्या बोलते हैं उस पर हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये चीजें समझ, तो सबसेट एंड। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगर इधर हो जाए तो उससे हम बोलते हैं सुपर, क्या बोलेंगे ना सुपर। दूसरा, अगर ऐसे सीधा यू बना हो तो उससे हम क्या बोलते हैं यूनियन, और ऐसे उल्टा यू बना हो तो उसे हम बेटा बोलते हैं क्या इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हैं, ऐसा है तो ये क्या होता है लेस देन। ठीक है, और अगर केवल ये है तो ये केवल क्या होगा बेटा लेस देन, ये इधर क्या है तो ये क्या होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल। और केवल यू है तो ये क्या होगा ग्रेटर। ठीक है, ठीक है, इन साइन को थोड़ा सा, अगर हमारे पास ऐसे उल्टा ए बना हो तो इसे बोलते हैं फॉर, इसको कहां कब कैसे यूज करना है वो हम बताएंगे। ठीक है, बाद में, पहले तो हम इनके नेम समझ लें कि किस साइन को हम बोलते क्या है। ठीक है, ये चीज समझ के ये साइन हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, इन साइन की हेल्प, इन साइन का यूज इस चैप्टर में बहुत आएगा, तो पहली चीज तो इन साइन को आप इसको क्या बोलते हैं ये पहले सीखे और उसके बाद होगा। एक चीज ऐसे है, इसे क्या बोलते हैं फाइ, क्या बोलेंगे फाइ, ये फाइ है और फाइ का क्या यूज आएगा वो हम बाद में बात करेंगे, ये पहले साइन सिस्टम को समझ लें, इसको क्या बोलते हैं पहले ये हमें पता होना चाहिए। समझ
समझ गए? ठीक है, अब ये चीज समझ गए तो जैसे जैसे हम चैप्टर में पहुंचेंगे हमें पता चलता जाएगा कि साइन को कहां पे यूज करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चैप्टर जो नेम है उस चैप्टर पे हम बात करते हैं। क्या नाम है? पहला चैप्टर है सेट्स। सेट्स यानी कि समुच्चय। अब हमें ये पहले चैप्टर का नेम क्या है समुच्चय का हमें ये पता होना चाहिए बेटा, एक्चुअल में समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय होता क्या है इस पे हम बात करेंगे। तो इस पे बात करने से पहले जरा देखें एक टॉपिक समझ। हम बात किस पे कर रहे हैं बेटा? चैप्टर नंबर है फर्स्ट समझ। पहले ये पता होना चाहिए चैप्टर का नेम क्या है समुच्चय, इसमें क्या होते हैं सेट्स। तो पहले चैप्टर का नेम का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, बाद में उसकी बात करेंगे। ठीक है, आज हम समुच्चय का मतलब ही केवल समझाएंगे। तो समुच्चय की जो परिभाषा है वो क्या है कि अवयव तथा संख्याओं का सुपरिभाषित संगठन समुच्चय कहलाता है। क्या मैंने बताया समुच्चय का क्या हो? अवयवों व संख्याओं के सुपरिभाषित संगठन को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित संगठन इसका मतलब पहले समझो। एक मैं एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। हमने लिखा एक और हमेशा बेटा समुच्चय को इस तरह हम ब्रेसेस बोलते हैं। इस ब्रेसेस के साइन के अंदर से लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये संख्याओं का संगठन हो गया कि एक से लेकर छह तक की संख्याओं का संगठन। तो इसे क्या बोलेंगे समुच्चय। अब इसका मतलब पहले समझ ले, हमने लिखा सुपरिभाषित संगठन को समुच्चय। सुपरिभाषित का मतलब क्या है ये पहले समझ ले कि जिसके बारे में सभी के विचार समान हो उसे बोलते हैं सुपरिभाषित। जैसे हमने बोला कि बल क्या है यानी कि व्हाट इज फोर्स, तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में पुश एंड पुल। किसी को ढकेलना किसी को धक्का देना क्या होता है बल कहते हैं, फोर्स होता है। तो अब ये डेफिनेशन हम किसी और कंट्री में पूछे किसी और से पूछे पढ़ा लिखा होना चाहिए लेकिन वो भी तो सभी के ओपिनियन यही आएंगे कि हम किसी को पुश या पुल करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे फोर्स यानी कि बल। तो यहाँ पे सभी के ओपिनियन सेम हो गई ना, हम पाकिस्तान जाए अमेरिका जाए कहीं भी जाए यूके जाए सभी के लिए सेम डेफिनेशन मिलेगी पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। किसी को धक्का देना किसी को प्रेशराइज करना क्या होता है बल होता है। तो ये क्या हो गया सुपरिभाषित। तो जहां पे सभी के ओपिनियन सभी के विचार समान हो वो क्या होते हैं सुपरिभाषित। जहां पे विचार बदल जाए ओपिनियन चेंज हो जाए तो वो क्या होता है वो सुपरिभाषित संगठन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अवयव या संख्याओं का एक ऐसा संगठन इसमें सभी के विचार सेम हो ओपिनियन सेम हो वो क्या होगा सुपरिभाषित संगठन होगा। अगर सुपरिभाषित है तो वो समुच्चय है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, मैंने बोला कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 क्रिकेटर्स के नाम। अब सपोज कीजिए इंडियन है तो हमने सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली इन सबके नाम बोलेंगे स्वाभाविक है। लेकिन क्या पाकिस्तान बोलेगा? पाकिस्तान तो दूसरे ही नाम बोलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया विचार ओपिनियन बदल के विचार बदल के तो ये संगठन बेटा समुच्चय नहीं है। जैसे हमने बोला गणित एक कठिन विषय है तो कुछ विद्यार्थियों के लिए गणित कठिन विषय होगा
उसके लिए सरल होगा, यहाँ पे विचार अलग अलग हो गए, तो ये भी सुपरिभाषित संगठन नहीं है, यानी कि समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे सभी के विचार समान हो वो सब क्या होते हैं, सुपरिभाषित संगठन। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया अल्फाबेट पे स्वरों का समूह, बी क्या लिखा, ये लिखा, इंग्लिश अल्फाबेट पे स्वरों का समूह ए, ठीक है, कुछ भी जैसे नंबर लिख दिया, प्रथम दस, प्रथम दस सम समूह, प्रथम दस धनात्मक सम संख्या, ठीक है, ये तो प्रथम धनात्मक सम संख्या क्या होगी, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन और क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इसमें हम सभी के विचार की बात करें तो सभी किसी से पूछेंगे तो प्रथम दस प्राइवेट संख्या ये बताएगा तो ये क्या हो गया समुच्चय। तो सबसे पहली चीज बेटा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हम किस तरह पहले ये समझना समुच्चय होता क्या है, तो जहां सुपरिभाषित संगठन हो उसके संगठन को क्या बोलेंगे समुच्चय। सुपरिभाषित का मतलब आपको बता दिया, सुपरिभाषित का मतलब जहां पे सभी के विचार क्या हो समान हो वो सब क्या होते हैं सुपरिभाषित संगठन। ठीक है, ये हो गया समुच्चय, समुच्चय समझ गए। तो अब बेटा समुच्चय को दो तरह से प्रदर्शित करते हैं, एक होता है जिसमें हम सीधे संख्याओं को लिखते हैं और जिसमें परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही सीखेंगे कि समुच्चय क्या है, और कल से सेकंड वीडियो से हम रेगुलर कैसे प्रदर्शित करते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इन सभी पे हम दूसरे वीडियो में चर्चा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज पहली क्लास है तो आज इतना ही, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।